हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहताब व्लॉग्स। तो यार आज हम लोग ट्रैवल व्लॉग बना रहे हैं, बाबा मेरे साथ हैं और तालिब भाई भी मेरे साथ हैं। तो अभी हम लोग ना मीरपुर खास की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मीरपुर खास का व्लॉग आप दोस्तों के पास आ रहा है। तो अभी हम लोग M9 मोटरवे पे हैं, हैदराबाद टोल प्लाजा पहुंचे हैं। तो भाई साहब, हैदराबाद टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो मीरपुर खास क्यों जा रहे हैं? तो ये ना बाबा से पूछेंगे, बाबा मीरपुर खास क्यों जा रहे हैं आज हम लोग? यार किसी दोस्त ने इनवाइट किया किसी प्रोग्राम में, उसी दावत के लिए जा रहे हैं। आज हमने भी छुट्टी की है, इंशाल्लाह चल करके आपको जो है ना इसके लिए मेहताब आपको नई इंटरटेनमेंट कराएगा और मीरपुर शहर भी आपको घुमाएंगे और टंडो वाला यार भी घुमाएंगे और आपको जो है ना टंडो जाम यूनिवर्सिटी भी हो सकता है कि दूर से हम दिखाएं इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी सफ़र हमारा जारी है यार, कराची से हमने सफ़र किया है। ये इंटीरियर सिंध है और ये तकरीबन जो है ना मीरपुर खास से आगे तकरीबन इंडिया जो है हमारे करीब ही है। तो सुन रहे हैं ना, कोई 70-80 किलोमीटर के फासले भी होगी, 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर। तो यार मतलब पड़ोसी मुल्क के करीब हम लोग जा रहे हैं। तो यार अभी टूल टैक्स पे करेंगे और देखते हैं टूल टैक्स कितना लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, फिर करेंगे सफ़र को कंटिन्यू। तो यार आप दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट का इजाज़ा जरूर कीजिएगा। तो तालिब भाई कैसा गुजर रहा है सफर? माशाल्लाह तमाम बेहतरीन। मेरा दोस्त मेहताब अली बेटे बस निकला हुआ, अभी जा रहे इनके पापा के साथ शादी दावत में मीरपुर खास। तो दोस्तों ये बंदा मोस्ट वेलकम। तो ये बंदा आप लोगों ने पहचाना होगा, हरिपुर वाला भाई। हरिपुर वाला भाई। तो मैंने सोशल मीडिया, वेलकम, थैंक यू। तो यार अभी हमारा सफर जारी है, वेटिंग में है। तो अभी ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हम भी लाइन में लगे हुए पहुँचते हैं। और ये मैंने 300 ले लिए हाथ में, अब देखते हैं कितना टैक्स होता है कितना नहीं होता। ये रिसिप्ट हमें कराची से मिली थी। तो यार स्टे ट्यून्ड, चलते हैं पहुंचते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो यार अभी हम लोग आ रहे हैं, तो रास्ते में ना हमें ट्रैफिक फ्लू थोड़ा सा मिला है। ये सिंधु दरिया की जो ब्रिज है ना, इंडस रिवर की, तो यहाँ पर हमें फ्लू थोड़ा सा मिला। मैंने कहा क्यों ना दोस्तों को ना मंज़र दिखा दिया जाए। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत और हसीन मंज़र है। दूसरी साइड तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि दूसरी साइड पे गाड़ियाँ भी ख़तरनाक वाली गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना फ्रेंड्स के साथ ना ये वाली लोकेशन शेयर कर दूं। ये इंडस रिवर के मनाजर हैं, ये जामशोरो पुल है। हम लोग हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं, कराची टू हैदराबाद हाईवे, और जामशोरो वैसे आगे है हमारे। अगर आप लेफ़्ट साइड पर कैमरे की देखें तो जो है ना सामने ब्रिज है और हम लोग इस वक्त मतलब हैदराबाद ब्रिज कह सकते हैं इसे। जी, ये मोहतरमा ने बनाई थी 88 में ये मोहतरमा भुटो ने बनवाई थी, उसके बाद हमने काम नहीं किया और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको जो है ना बेहतर तरीके से बनाएगी इंशाल्लाह। 88 लेकर के ये 25। फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने मीरपुर खास टोल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर लिया है। तो अभी हम लोग मीरपुर खास सिटी में इन होने वाले 5 किलोमीटर है आगे। तो यार मीरपुर खास सिटी का हमें नहीं पता, वैसे हम फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यार आप दोस्त जितने भी मीरपुर खास में मतलब मेरी वीडियो देख रहे हैं मीरपुर खास से, उन तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों ये मैं मीरपुर खास का पहला जो फाटक है वो क्रॉस कर रहा हूँ। यार माशाल्लाह मस्जिद कितनी प्यारी बनी हुई है, आप देखें दोस्त। तो ये मस्जिद हम क्रॉस कर रहे हैं। यार मौसम जो है ना VIP लगा पड़ा है माशाल्लाह। तो मौसम अगर आप देख पाए ना, बिल्कुल क्लाउडी मौसम है और अल्लाह ने साथ दिया, इंशाल्लाह मौसम अच्छा ही रहेगा क्योंकि यार हमें वन डे प्रोग्राम है, जाना है और वापस आना है। तो अभी जाएंगे इंशाल्लाह, दावत अटेंड करेंगे और दावत अटेंड करने के बाद फिर वापसी भी है। तो मतलब एक ही व्लॉग में जाना भी होगा, वहाँ पे दावत भी जो खाएंगे वो भी होगी और इंशाल्लाह जो एग्ज़िट करेंगे कराची के लिए तो मतलब वो भी होगा। तो कराची के लिए चेकआउट तो अभी देर है, लेकिन फ़िलहाल तो भाई पहुँचना है और जो मतलब इनविटेशन है वो अटेंड करनी है। मेरे आगे ट्रक चल रही है, तो यार वहाँ जो है ना जहाँ पे दावत है ना वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहीं से आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं।
यार फाइनली फ्रेंड्स हम लोग जहाँ पे आ रहे थे ना इन्विटेशन पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हे राजा के पास आ चुके हैं। तो यार हमारा व्लॉग जो था अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है। तो अगर मेहमानों की बात की जाए माशाल्लाह पूरा पंडाल जो है ना मेहमानों के साथ इस वक्त लटालट भरा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अपना सफ़र मुकम्मल करके पहुँच चुके हैं। बाबा लोग रिसेप्शन कर रहे थे, दूल्हे के साथ मुलाकात वगैरह हो रही थी। तो ये चाचू जो है ना हमारे साथ भैयान, ये सोशल मीडिया पे रबते में होते हैं चाचू का। चाचू नाम आप बताएं, क्योंकि आईडी पे चाचू का नाम गुलाम हुसैन जरदारी। चाचू हाजी गुलाम हुसैन जरदारी। तो चाचू से मुलाकात होगी, बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि यार दूर रहते हैं तो जाहिर बात है मुलाकात मौत मुलाकात का कोई भरोसा नहीं, कोई टाइम नहीं, टाइम नहीं होता है भरोसा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो चले चलते नीचे, तो बाबा मेरे साथ हैं, हम नीचे जा रहे हैं। तो रिसेप्शन लगी पड़ी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी दोस्तों दूल्हे से मुलाकात हुई, बाबा और हम वेटिंग में बैठे हुए। तो यार माशाल्लाह भाई गुलाम नबी ने माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। तो यार बस कंटिन्यू है, मतलब मज़ा लगा पड़ा है। मीरपुर खास वालों को मतलब तहे दिल से सलाम। और आप लोगों का माशाल्लाह शहर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और आप यहाँ के मतलब लोग भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। क्योंकि हमें पता नहीं था एक दो जगह पे रस्तों का ना, तो हम लोगों ने उनसे पूछा, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। तो यार मतलब लव यू हो गया मीरपुर खास वालों। वेट करेंगे क्योंकि अबू जो है ना अंदर शादी हाल में मेहमानों के साथ मिल रहे हैं, दोस्तों के साथ। तो यार अबू मिल लेते हैं, और ये बंदा देखें पीछे, ओ तेरी खैरात आले भाई। ओ जियो भाई, जियो आजा भाई, मीरपुर खास वेलकम। घूमो फिरो, खाओ पियो। हमें अभी खाना खाया है भाई, दावत था भाई को, हम इसके साथ आए हैं अभी कराची से मीरपुर खास। अभी खाना खा के बाहर निकल आए, ये मजा आ गया ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घरों से निकलो, बाहर घूमो, खर्च करो, खर्च करा, खर्च करो, मर जाओ। हरिपुर भी आओ मेरे पास, हरिपुर भी आओ, इस्लामाबाद भी आओ, मीरपुर मतलब घर में नहीं रहो भाई, खर्च करो, खर्च करो, डॉलर खर्च करो। हाँ जरूर, खर्च से ही तो होता है सब कुछ, मर कुछ खर्च से मिलेगा। हाँ भाईजान, मर जाओगे पीछे वाले कुल खत्मा भी नहीं पड़ेंगे। नहीं या नसीब, वो पीछे रहे या ना रहे। हाँ डॉलर है, खर्च करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, जियो जियो करो। तो यार गुड हो गया तालिब भाई के साथ। तो यार बस अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता। तो यार मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ है, उससे मिलना है मुझे, वो बुला रहे, तो दोस्त से मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मीरपुर से निकल के ड्राइवर चेंज हो गया, बाबा आप ड्राइव कर रहे हैं, और हम जो है ना रिलैक्स हो के आराम करेंगे, क्योंकि यार मैं थक गया हूँ। क्योंकि रात को ना 3:30 सोया था, वीडियो एडिट की, अपलोड की, मतलब पूरी ना हर चीज की टेंशन होती है। अभी हम लोग हैदराबाद मीरपुर खास ड्वेल कॉलेज वे पे हम पहुंचे हैं, टूल प्लाजा ही है इनका, प्लाजा से क्रॉस होते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे यार मीरपुर खास की जो हमारी जर्नी थी, बेहतरीन जर्नी गुजरी है, क्योंकि यहाँ पर हमें ना मेन चीज़ तो ये थी, एक दिन का टूर था, जाना और आना ये आसान काम होता है,
क्योंकि बंदा स्टे करता है ना जब दो तीन दिन का, फिर प्रॉब्लम बन जाती है और फिर मतलब एक लंबी कहानी चली जाती है ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है। छोटा सा सफ़र है, खूबसूरत सा सफ़र है, तालिब भाई भी इंजॉय कर रहे हैं बैठे हुए, बड़ा मज़ा लगा पड़ा है। तो यार तालिब भाई जो है ना खामोश खामोश नज़र आ रहे हैं। नहीं बस खामोश नहीं है, माशाल्लाह सही है, बहुत मज़ा आ गया माशाल्लाह। ऐसा ही है, हाँ मेहताब अली साथ है, अबूज का साथ है। तो अभी हमारा एक और प्रोग्राम बना लेकिन तालिब भाई ने कहा नहीं यार चलते हैं घर पे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छी बात है ना, बस जो है सो अपना घर, अपना घर। तो यार अब टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं, आगे चल के आप दोस्तों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यार थोड़ी देर पहले हम लोग सिंधु दरिया पे थे और एक मरतबा फिर हम लोग मौजूद हैं इंडस रिवर पे। तो यार माशाल्लाह पानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, और आप सूरज देख सकते हैं, सूरज की किरणें नीचे पानी में लग रही हैं जिसकी वजह से पानी जो है ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती अपनी जो है शो करके खड़ा हुआ है। तो एक मरतबा फिर हम लोग दरिया सिंध के किनारे मौजूद हैं और हमारा ट्रैवल जारी है। ये बाइक वाले चाचा तो भाई बगैर हेलमेट के और स्पीड चाचा की माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये जो परिंदे उड़ रहे हैं ना दोस्तों इनका शिकार किया जाता है। तो यार जो लोग शिकार करते हैं उनसे गुजारिश है कि यार इनका शिकार ना किया करें, इनकी नस्ल पहले ही कम हो चुकी है। इसको हमारी जो इलाकाई जबान है उसमें आड़ी कहा जाता है। तो यार आड़ी का शिकार जो है ना बहुत ज़्यादा है हमारे सिंध पंजाब में, तो यार थोड़ा सा ना ख्याल रखें। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है विया मोटरवे जो है हम कराची की तरफ जा रहे हैं, तो अभी M9 पे पहुंचे हैं। यह टूल गेट है हैदराबाद का और यहाँ से हम रिसिप्ट लेंगे और कराची पे हमें टूल पे करना होगा। तो यार आज ना मैं आप दोस्तों को एक और चीज़ बताना चाह रहा था, क्योंकि पिछली वीडियोस मेरी जो भी आई हैं वो अपनी जगह, जो भी मेरे ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनकी प्लेलिस्ट अलग बनाकर रखता हूँ ताकि आप सामाई इनको देखने में आसानी हो। तो मेरे जो ट्रैवल व्लॉग्स होंगे आज के बाद उसकी जो मेरी प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब चैनल पर वो अलग नाम से होगी, एक्सप्लोर के नाम से या ट्रैवल के नाम से, मतलब ऐसे किसी नाम से होगी। तो यार अब देखते हैं कार्ड लेते हैं, यहाँ से चलेंगे कराची की तरफ और इस वक्त 3:30 बज रहे और ये लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये जी नो एनीवन हियर, आप जा सकते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान है, काम करें ना करें हमारी मर्जी है। तो यार बस बेस्ट हो गया, बेस्ट नहीं बल्कि गुड हो गया। हाँ उस तरफ तो भाई होना है ना, बाबा कह रहे हैं रोड की उस तरफ है, इस तरफ जो हमें कार्ड देना था वहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा उस तरफ तो होना था ना क्योंकि वहाँ पे टैक्स लेना है तो वहाँ पर तो मौजूदगी लाजमी है, और यहाँ पर तो हमारा काम था, हमारे काम से जो है ना गवर्नमेंट को कोई ताल्लुक नहीं है, उनका काम हो जाए। तो फाइनली एरिया टाउन क्रॉस कर लिया है, तो अभी थोड़ी देर में कराची पहुँचते हैं, इंशाल्लाह घर पहुँचेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे बैरिया टाउन अभी क्रॉस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और कराची अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं, अब घर पहुंचते हैं देखते हैं घर क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब कि मतलब घर पहुंचने के बाद ही अब पता लगेगा कि आगे के जो मतलब हमारा सीन है वो क्या होना है क्या नहीं होना। अभी तक वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं की है, 4:30 बज चुके हैं, उस चीज़ के लिए माजरा चाहूँगा। ये वीडियो तो नेक्स्ट डे आ रही है लेकिन मतलब जो पिछली वीडियो है वो तो बेचारी आपके लिए लेट हो गई ना, तो यार इस चीज़ के लिए माजरा चाहूँगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो यार फाइनली हम लोग जो है इस वक्त कराची पहुँच गए हैं और इस वीडियो को हम इख्तिताम पसीर भी कराची टूल प्लाजा पे ही करेंगे। तो यार आप दोस्तों से क्योंकि यार ब्रेकर है ना, तो दोस्तों आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त को दोस्तों के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।